जो पहला वाला इमेज था उसमें जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में जैसा इमेज बना था कन्वेक्स लेंस में भी सेम वैसा ही इमेज बन रहा है। दूसरा दूसरा इमेज देखो बेटा, दूसरा रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F। व्हेन यू से ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, ये मिरर में हो जाएगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यस और नो? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, आपको मालूम है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो कनकेव मिरर में कहां बना था? चलो देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज बना है बिटवीन सी एंड एफ, यस और नो? इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, और उसके बाद से आपको यहां पर क्या कहा जाता है, इमेज डिमिनिश्ड भी है, करेक्ट? अब आ जाओ कन्वेक्स मिरर में, सॉरी कन्वेक्स लेंस में, ये देखो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, एक पैरेलल लाइन आया जो फोकस से चला गया, दूसरा लाइन ऑप्टिकल सेंटर से गया विदाउट एनी डेविएशन पास कर गया। इमेज कहां पर बना? बिटवीन एफ एंड 2F, 2F का मतलब सी होता है, यस और नो? बिटवीन एफ एंड सी बन रहा है, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, द इमेज इज डिमिनिश्ड, यस और नो? मतलब यहां पर भी प्रूव हो गया दैट कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर दे बिहेव इन अ सेम वे, यस और नो? अगला, अब उसके बाद से कहा आता है एट 2F मिरर में एट सी, जब भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट है कनकेव मिरर में तो उसका इमेज कहां बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता है। इमेज का साइज क्या होता है? सेम एज ऑब्जेक्ट होता है। इमेज कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, यस और नो? अच्छा चलो अब 2F में देखो, ऑब्जेक्ट इज एट 2F, वेयर इज द इमेज? सर एट 2F 2F, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज क्या है? दोनों सेम है एंड सर द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। यस सर अब इमेज, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले आओ, बट मतलब बिटवीन 2F एंड F, मतलब बिटवीन सी एंड F, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट बना कनकेव मिरर में, देखते हैं क्या होता है। बिटवीन सी एंड एफ में ऑब्जेक्ट है, इमेज बन रहा है बियॉन्ड सी, और इमेज एनलार्ज्ड बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है? अब यहां पर देख लो, फिर लेंस में देख लो, बिटवीन 2F एंड F इमेज कहां बना? बियॉन्ड 2F, इमेज क्या है? एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और कौन से रे ऑफ लाइट बना? एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। आ गया समझ में? अर्जुन, श्रुति, राकिन, आकांक्षा, आ गया बेटा समझ में? अब देखो, अब और आगे ले आए, ध्यान दो, कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट फोकस में था तो इमेज कहां बना था? रेज पैरेलल होगी, इन्फिनिटी में इमेज बनेगी। और यहां पर फोकस में था,
रेस पैरेलल चले गए थे बाहर, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनी सॉरी इमेज इन्फिनिटी में बन रहा है, यस इन्फिनिटी सर। में रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड, यही है ना? यस सर। अच्छा तो अब ये देखो लेंस में क्या हो रहा है, लेंस में भी तो पैरेलल चला गया, लेंस में भी तो पैरेलली रिफ्रैक्ट हो गया, तो इमेज कहाँ बनेगा जल्दी बताओ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सर एट इन्फिनिटी इन्फिनिटी व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज, हाईली एनलार्ज्ड हाईली एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, सर रियल रियल एंड इन्वर्टेड। अब उससे और आगे ले आए हम लोग मिरर में, बिटवीन एफ एंड पी, तब क्या हुआ बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना, यस और नो? यस सर। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है और वो इमेज एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है। लेंस में भी देख लो, देख लो एफ एंड ओ के बीच में ऑब्जेक्ट, एक पैरेलल रे फोकस से चला गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से चला गया, दोनों रे ऑफ लाइट डाइवर्ट कर रहा है। तो ये मिलेगा कहां पर, यहां पीछे जाकर यहां पर कन्वर्ज हो रहा है पीछे। तो इमेज कैसा बना, इमेज बना एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया बेटा, यस सर। मतलब जो कॉनकेव मिरर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वो और कन्वेक्स लेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम है या नहीं है? यस सर सेम। अच्छा अब बताओ, कन्वेक्स मिरर में हमने कितने केसेस पढ़े थे, कन्वेक्स मिरर में कितने केसेस किए थे? कनकेव में 6 केसेस था, कन्वेक्स सर में 3 थे सर। 2, ओनली टू ना, ओनली 2 केसेस। देखो एक था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और दूसरा था एट एनी अदर प्लेस अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी, एट एनी अदर प्लेस अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी। समझ गए? तो जब इन्फिनिटी में था तब क्या हुआ था, ये फोकस में जाकर मिला था, मतलब हाईली डिमिनिश्ड इमेज बना था, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना था, यस और नो? यस अब इसके साथ कौन सा लेंस एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक का होगा, सर। कंकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस का एक जैसा होगा। देखो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, दोनों आकर मिल गए कहां पर, आठ फोकस फोकस आठ। में। कैसा इमेज बना, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यस और नो? यस सर। आया बेटा समझ में, अनन्या आंचल श्रुति राकिन आकांक्षा, आकांक्षा आ रहा है समझ में, याद हो रहा है बेटा? अब देखो बेटा अगला, देखो अगला था एट एनी अदर प्लेस अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी, मतलब आप कन्वेक्स मिरर में इंफिनिटी के अलावा और कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज हमेशा पी पोल और फोकस के बीच में बनेगा और वो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। यही तो था ना बेटा? हाँ बेटा ओके। सही था। अच्छा तो अब कनकेव लेंस में देख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट बिटवीन, ये इसको ऐसे मत लिखो, ऑब्जेक्ट एट
any place apart from infinity. कहीं पर भी रख दो, इमेज बन रहा है देखो एफ एंड ओ के बीच में, कैसा इमेज बन रहा है, डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। और नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ गए बेटा? यस सर। अनन्या, आचल, सुबेना, श्रुति, आकांक्षा, आगे बेटा। यस सर। याद हुआ? अब याद हो गया आज? यस सर। तो रे डायग्राम इजी है ना? अब ये तो तुम्हारे क्या कहा जाता है, जिसमें कंफ्यूजन हो सकता था एमसीक्यू में, वो तो काट ही दिया, यूजेस कट गए, नहीं है। अब ये देखो, या तो मिरर या तो लेंस को, आधा मिरर या आधे लेंस को ब्लैक पेपर से ढक दे हम, तो क्या इमेज दिखेगा? The answer is yes, क्योंकि ऊपर वाले आधे हिस्से से तो लाइट पास हो रहा है, ऊपर वाले आधे हिस्से से तो रिफ्रैक्शन हो ही रहा है, तो इमेज तो दिखेगा, लेकिन जितना क्लियरली दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखेगा, फेंट मतलब एक धुंधला इमेज दिखाई देगा। समझ में आया बेटा? यस बाकी लोगों को आ गया? कुछ एक्सप्लेन नहीं करना बेटा, इसमें यही क्वेश्चन आएगा कि अगर तुमने आधे लेंस को या आधे मिरर को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो विल यू बी एबल टू सी इमेज? If yes, what type of image will you be able to see? Then the answer would be yes, we would be able to see the image. But the image that we'll see would be a fainter image. We won't be able to see a clear image. Samajh mein aaya? Yes, sir. Ab aage power of lens. लेंस का भी पावर होता है भाई। अब लेंस का पावर होता है तो समझ लो कि ये लेंस है, यहां पर एक लाइट ऐसे आया और ये ऐसे बेंड कर गया, ए बी, एक दूसरा लेंस है, यहां पर लाइट ऐसे आया और वो ऐसे बेंड कर गया, बताओ ये दोनों लेंस में ए और बी में बेंड किस में ज्यादा हुआ? ए में बेंड ज्यादा हुआ। तो ये लेंस में ये ताकत है कि वो लाइट को ज्यादा बेंड करा सके। यस और नो? यस सर। मतलब जिस लेंस में लाइट का बेंडिंग ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा, जिस लेंस में बेंडिंग कम होगा उसका पावर कम होगा। समझ में आया? यस सर। और पावर का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू 1/f, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बट रिमेंबर फोकल लेंथ शुड ऑलवेज बी इन मीटर, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आया तो ये कौन सा लेंस है बताओ, कौन सा लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है? कॉन्वेक्स। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है। तो अगर पावर का आंसर पॉजिटिव में आया देन इट इज कन्वेक्स लेंस,
और अगर पावर का आंसर नेगेटिव में आया देन इट इज कनकेव लेंस। समझ में आए बेटा? और पावर का जो एसआई यूनिट होता है उसको बोला जाता है डायोप्टर। पावर का एसआई यूनिट को डायोप्टर बोला जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया पावर का मतलब? यस सर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, देखो कितने बार क्या होता है, दो लेंस को एक साथ जोड़ दिया जाता है ऐसे। ये हो गया दो कन्वेक्स लेंस को एक साथ जोड़ दिया। कहीं कहीं पर क्या होता है कि एक कन्वेक्स लेंस होता है और उसके साथ जोड़ दिया जाता है एक कनकेव लेंस ऐसे। या फिर कहीं कहीं पर होता है कि एक कनकेव लेंस को दूसरे कनकेव लेंस के साथ ऐसे जोड़ दिया जाता है। इस लेंस का फोकल लेंथ है F1, इसका F2, इसका F1, इसका F2, इसका F1, इसका F2। हमें निकालना है कंबाइंड फोकस। कंबाइंड फोकस, कंबाइंड फोकस का फॉर्मूला होता है 1/F=1/F1+1/F2। समझ में आए बेटा? इसका डेरिवेशन का जरूरत नहीं है। आ गया बेटा समझ में? Yes, sir. अब मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है, बेसिक मतलब है कि इमेज कितने टाइम मैग्नीफाई किया है। हाउ मेनी टाइम्स हैज द इमेज मैग्नीफाइड, या इमेज हैज एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड, ये चीज बताता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, ये होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अगर मिरर है तो माइनस वी अपॉन यू होता है। और एक और फॉर्मूला है अगर लेंस है तो वी अपॉन यू होता है। V का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस एंड U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आया बेटा? अब ये भी समझो बेटा, अब उसके बाद से ये समझो कि अगर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वन, आंसर आया वन, देन इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन वन, से फॉर एग्जाम्पल मैग्निफिकेशन आया टू, दैट मीन्स इमेज इज टू टाइम्स द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है इमेज इज टू टाइम्स द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से दो गुना बड़ा है। समझ में आया बेटा? आ गया? हाँ। और अगर मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन देन द इमेज इज डिमिनिश्ड। क्लियर, क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। लेकिन व्हाट इफ इट इज प्लस वन? प्लस वन का मतलब होगा बेटा कि इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज बट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? जो साइन है, साइन अगर पॉजिटिव दिखाएगा
मैग्निफिकेशन में, मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और अगर मैग्निफिकेशन में साइन नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। मतलब ध्यान दो बेटा, मैग्निफिकेशन में दो चीजें होती है, एक साइन होता है, साइन बताता है वर्चुअल है या रियल है, और दूसरा नंबर होता है, जो नंबर बताता है कि वो एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है या इक्वल है। समझ में आ गया बेटा? अब क्या बचा? साइन कन्वेंशंस तो कर लिया था ना? अब फॉर्मूला सारा लिख लो। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये मिरर का है। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये लेंस का है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ये मिरर का है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। ये लेंस का है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। ये मिरर लेंस दोनों में इस्तेमाल होगा। फोकस इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू। ये सब जगह यही इस्तेमाल होगा। पावर इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ इन मीटर्स। ये भी सब जगह इस्तेमाल होगा। एन टू वन इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। N21 is equals to C1 upon C2. C1 is the speed of light in medium 1 and C2 is speed of light in medium 2. N21 is equals to 1 upon N12. N21 is equals to N2 upon N1. N13 is equals to N12 into N23. ये सारे फॉर्मूले याद रखना। ठीक है बेटा? ये जल्दी से लिख लो सभी लो।